लालू के लाल तेज करेंगे साइकिल से 1058 किलोमीटर की यात्रा, देश के युवाओं को देंगे फिट रहने का सबसे बेहतर नुस्खा। रात भर करते हैं साइकिल प्रैक्टिस, दिन में लगाते हैं पेड़, क्या इस बार भी यात्रा के दौरान गिर जाएंगे तेज? जुलाई में साइकिल यात्रा के दौरान तेज प्रताप यादव के साथ हुआ था हादसा, इसलिए इस बार चल रही कड़ी मेहनत। 2024 में साइकिल से पहुंचकर लाल किले पर लहराएंगे तिरंगा, सुनिए बिहार के पर्यावरण मंत्री ने युवाओं को और क्या कहा। लालू के लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों रात में साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और युवाओं को फिट रहने का खास मैसेज भी दे रहे हैं। इसके साथ ही वह देश के हर नागरिक से एक अपील करते हैं कि आप जितना हो सके पेड़ लगाइए, पर्यावरण को हरा भरा बनाइए, तभी हमारी धरती माता ग्रीन अर्थ कहला सकेंगी। लेकिन जब तेज प्रताप यादव की साइकिल चलाने वाली वीडियो सामने आई तो कुछ लोग कहने लगे कि तेज प्रताप यादव जब इससे पहले साइकिल यात्रा पर निकले थे तो वो गिर गए थे, इसलिए अब रात में छुपकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर इन सब अफवाहों के बीच सच्चाई क्या है, वह हम आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को साइकिल यात्रा की शुरुआत। इस यात्रा की शुरुआत कर उन्होंने साइकिल से दिल्ली पहुंचने की हुंकार भी भर दी है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वह 2024 से 25 में साइकिल से ही 1058 किलोमीटर की यात्रा कर लाल किला पहुँचेंगे, जहाँ तिरंगा लहराएंगे। वहीं जब मीडिया वालों ने उन्हें रात में साइकिल चलाते देखा तो पूछा कि क्या आप साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं रोज ही साइकिल चलाता हूं, पहले पेड़ लगाता हूं ताकि पर्यावरण हरा भरा रहे और उसके बाद साइकिल से ही दफ्तर भी जाता हूं ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए नेक कार्य है, इसलिए पर्यावरण को हरा भरा और प्रदूषण से बचने के लिए देश के हर युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। फिर उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आज डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कर पर्यावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, हो सके तो साइकिल से यात्रा करें और पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ खुद को फिट भी रखा जा सके। बता दें इससे पहले जुलाई में जब तेज प्रताप यादव ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में साइकिल यात्रा निकाली थी तो कुछ दूर जाते ही उनका बैलेंस बिगड़ गया था और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े थे। हालांकि तेज प्रताप यादव को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और उन्होंने दोबारा उठकर समर्थकों के साथ निरंतर यात्रा जारी रखा था, लेकिन तब से ही तेज प्रताप यादव का साइकिल चलाना सवालों के घेरे में है। हालांकि तेज प्रताप यादव का इस बार लक्ष्य साइकिल चलाकर दिल्ली पहुंचना है और देश के युवाओं को फिट रहने के साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे बेहतर उदाहरण देना है।